भारतीय जनता पार्टी के सांसद को नहीं जीता पाए, 5000 वोटों से वो हार गया, हो सकता है उसी का बदला पूरा कर रहे हो। जैसे हो रही है, लेकिन अब बच्चा भूखा है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के बच्चे हैं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, ऐसा विश्वासघात हो रहा है, तो हम कैसे मान लें कि रामराज आ गया होगा। लेकिन जब रेल नहीं है तो कहाँ से रामराज। रेल नहीं पहुँची है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर रेल लाइन नहीं। लेकिन हम तो रामराज तभी महसूस करेंगे जब हमारे यहाँ रेल चलेगी। यहाँ बड़े लोगों का चेहरा दिख चाहिए, बड़े बड़े लोग लगे हैं, धनबल बाहुबल इनको दिखाया जाता है, यहाँ इनको वोट दिया जाता है, टिकट दिया जाता है। नमस्कार, मैं अनुर्जा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पे। यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं, हम आपको यहाँ पे पोस्टर दिखा देते हैं कि सन 2018 में 4940 करोड़ रुपए की स्वीकृति एवं सन 2019 में रेल मंत्री जी के द्वारा शिलान्यास की गई रेल परियोजना, किस तरीके से जो सरकार ने रेल बनाने के वादे तो कर दिए लेकिन रेल अभी तक बनाई नहीं गई है, उसी को लेके यहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं से बातचीत करते हैं। बिहार की पार्टी है, बिहार की पार्टी थी तो, लेकिन कुछ सोच अच्छी थी, ईमानदार नेता थे। और हमको जो है यहाँ तो नंबर मिलेगा नहीं, यहाँ तो बड़े लोगों को वोट दिया जाता है, बड़े लोगों को कार्ड किया जाता है, बड़े को लोगों को लाया जाता है, तो जो वहाँ जो छोटे स्तर से लोगों को लाते हैं समाज में, उनके लिए हमको देखना है। हमें गरीब लोगों का, शोषित समाज का और जो है गरीब लोगों का, उनको हमको लेकर चलना है साथ में। तो यहाँ बड़े लोगों का चेहरा दिख चाहिए, बड़े बड़े लोग लगे हैं, धनबल बाहुबल इनको दिखाया जाता है, यहाँ इनको वोट दिया जाता है, टिकट दिया जाता है। अब कायाकल्प कितना किया है वो तो जनता सोचिए, करप्शन कहाँ तक है, जमीन में करप्शन मिटा नहीं है। अधिकारी लोग अपने मस्त लूटने में, अधिकारी लोग मस्त भैया लूटने में, वो उनका कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी जांच कोई कराने वाला नहीं है। अब उस विषय पर हमें जाना नहीं, बहुत बड़े मैं नेता हूँ नहीं, मैं अपने जनपद स्तर का देखता हूँ, उतना ही कहूँगा, बाकी जो जनता समझ रही है। हमारा प्रदर्शन एक जनपद श्रावस्ती है उत्तर प्रदेश का, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जनपद श्रावस्ती, जो नेपाल सीमा से मिला हुआ है। 65 किलोमीटर खुली सीमा नेपाल की है और पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का सर्वाधिक पिछड़ा जिला है। हमारे ज़िले में आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए, 76वां साल चल रहा है, अभी तक 1 सेंटीमीटर रेल लाइन नहीं है। रेल लाइन न होने के कारण हमारे क्षेत्र में कोई औद्योगिक कुछ है भी नहीं, एक भी उद्योग नहीं है, उद्योग शून्य जिला है। मोदी जी तो बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, वंदे भारत चला रहे हैं, तमाम ट्रेनों को हरी झंडी दिखा रहे हैं, आप बना दिया। हमारे परियोजना के लिए भी, चूँकि हमारा आयोजन ये आंदोलन जो है 15 साल से चल रहा है, तो 2014 में हम लोग अपने 400-500 साथियों के साथ यहाँ आए थे, धरने पे बैठे थे, एक दिन का था। उसके बाद में 2014 में रेल का सर्वे हुआ और 240 किलोमीटर की रेल परियोजना स्वीकृत हुई। 2018 में उसके लिए 4940 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, जिसमें खलीलाबाद से रेल लाइन निकल करके डुमरियागंज, उतरौला, बलरामपुर, श्रावस्ती, भिनगा और बहराइच तक जानी थी। ये पूरा रेल से वंचित क्षेत्र है। 4940 करोड़ रुपए। ए बेटा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। तो 4940 करोड़ रुपए मंजूर हुए, जिसके लिए शिलान्यास कार्यक्रम रेल मंत्री ने किया। रेल मंत्री पीयूष गोयल थे उस समय, मनोज सिन्हा जी जो इस समय गवर्नर हैं कश्मीर के, वो रेल राज्य मंत्री थे। बहुत बड़े कार्यक्रम में जो है उसका शिलान्यास किया गया और शिलान्यास करने के साथ साथ ही इस परियोजना को लोग भूल गए। अब वो 4940 करोड़ रुपए कहाँ चले गए ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। वंदे भारत, बुलेट ट्रेन, 100 स्मार्ट सिटी, सब कुछ कर रहे हैं मोदी जी। तो ये पिछड़ा क्षेत्र है ना, पिछड़ा क्षेत्र पिछड़ा रहना चाहिए। हमारे ख्याल से यही सोच है कि यहाँ के लोग अगर आगे बढ़ जाएंगे तो फिर क्या होगा, सबका साथ सबका विकास। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो श्रावस्ती में 5 साल से 5000 करोड़ रखे नहीं होते। 5000 करोड़ रुपए अगर बैंक में होंगे तो उसका कई करोड़ रुपए ब्याज हो गया होगा। वो काम कुछ धरातल पे दिखना चाहिए। अभी तक ना तो जमीन खरीदी गई है, ना कोई रेल लाइन का कोई कार्य शुरू हुआ। लेकिन मोदी जी तो कहते गारंटी चल रही है, मोदी गारंटी देश में। अब उम्मीद तो हम लोग भी यही लगा रहे थे, लेकिन हमें गारंटी नहीं दिखाई पड़ रही है।
डंका बजवा दिया पूरे देश में। जी जी जी, मुझे नहीं लगता कि कोई गारंटी है। अगर गारंटी होती तो 5000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके होते। शिलान्यास के बाद आदमी घर बनाता है, शिलान्यास करता है, भूमि पूजन करता है, उसके बाद जो है कम से कम उसको दिक्कत भी आती है तो मकान के प्लास्टर और फर्श के लिए भले आए, लेकिन मकान की नींव ही ना बन पाए, दीवार ना खड़ी हो, ऐसा नहीं होता है। शिलान्यास करके लोग भूल गए। राम मंदिर बनवा दिया सर जी, राम मंदिर। हाँ, राम मंदिर बन गया। खुश है ना? जी बिल्कुल खुश है। मोदी जी की सब तरफ जय जय हो रही है, जय जय हो रही है, लेकिन अब बच्चा भूखा है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के बच्चे हैं, हम लोग भूखे हैं। हमारे जिले में रेल नहीं, हमारी उम्र 61 साल की हो गई, अभी तक मतलब रेल लाइन नहीं है और आगे कितने दिनों तक नहीं रहेगी इसका कोई भरोसा नहीं है। अयोध्या को मिलने से क्या फायदा है? अयोध्या से भी हमारा घर 150 किलोमीटर दूर है हमारा। अरे पहले रेल लाइन तो होगी, कहाँ से उठा के बैठा देंगे? जो है रेल लाइन होगी तभी राम राज आ गया है। अब राम राज जहाँ आया होगा वहाँ आया होगा, फिलहाल सरावस्ती में तो राम राज नहीं है। पूरे भारत में, सरावस्ती भी भारत में ही है, कहीं बाहर नहीं है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है, सीमावर्ती जिला है, लेकिन जब रेल नहीं है तो कहाँ से राम राज? कौन सा राज आ गया? तो दावा किया जा रहा है कि राम राज आ गया। हम मानते हैं, चलिए ठीक है, कुछ लोगों को लगता होगा कि राम राज आ गया, लेकिन हम तो राम राज तभी महसूस करेंगे जब हमारे यहाँ रेल चलेगी। हमारा एक आंदोलन है कि आज जो है गांव-गांव में बिजली पहुंच गई है। हाँ, बिजली पहुंच गई है, ये बात सही है। रेल नहीं पहुंची है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर रेल लाइन नहीं। और जो श्रावस्ती है, ये त्रेता युग में महाराज कौशल, वो महाराज लव भगवान रामचंद्र के पुत्र थे, कौशल प्रदेश जो था वो श्रावस्ती उसकी राजधानी थी। ऐसे प्राचीन जनपद को के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, ऐसा विश्वासघात हो रहा है, तो हम कैसे मान लें कि राम राज आ गया होगा? हाँ, अयोध्या काशी चमक रहा है, वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम श्रावस्ती की बात करने के लिए यहाँ आए हैं। हाँ, क्या लग रहा है आपको? छला गया क्या? अब छला गया, और कुछ हम लोगों की भी कमी है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सांसद को नहीं जिता पाए, 5000 वोटों से वो हार गया। हो सकता है उसी का बदला पूरा कर रहे हो। डबल इंजन की सर, अभी आपने डबल इंजन है, चलवा दो डबल इंजन की सरकार है, ऐसा हो सकता है? हाँ, तो सरकार दावा कर रही है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये हमारे साथ, ये हमारे साथ लागू नहीं हो रहा है। परिवहन का बहुत देखा आप लोगों ने किस तरीके से रेल बनाने की जो मांग को लेकर यहाँ पे ये लोग एकत्रित हुए हैं जंतर मंतर पर। वहीं जो भाजपा सरकार कह रही है कि हमने वंदे भारत बुलेट ट्रेन ला दी, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो रेल ही नहीं बनी है, उसी को लेकर यहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है।